हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजे मेडिसिन। मेरा नाम है अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गुड हेल्थ कैप्सूल। गुड हेल्थ कैप्सूल के मैं आपको यूज, डोज, बेनिफिट, साइड इफेक्ट सब कुछ बताऊंगा। आप बने रहिए मेरे चैनल पे। मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। और हाँ दोस्तों, मेडिसिन से रिलेटिव जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी, तो बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक वो नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। गुड हेल्थ कैप्सूल एक वजन बढ़ाने की दवा है जो कि बहुत बेहतरीन मानी जाती है। इससे जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उनको भूख लगनी शुरू हो जाती है। मैं आपको बता दूं, जो बहुत लोग परेशान थे जिनने कई प्रोडक्ट यूज़ किए उसके बाद भी उनका शरीर नहीं बना, तो मैं आपको बता दूं इससे आपका शरीर बनेगा। जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से आप लीजिए तो आपको ज़रूर फायदा होगा। आइए दोस्तों, दिखाता हूँ इसकी पैकेजिंग। ये स्क्रीन पे आपके आ गई होगी, आप देखिए। पीले कलर की डिब्बी होती है, इसमें कैप्सूल होते हैं 50 और इसे कंपनी बनाती है डॉक्टर विश्वास कंपनी, और इसका प्राइस होता है 232 रुपये। आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। साथ साथ दोस्तों मैं बता दूं, ये जड़ी बूटियों से मिलकर बनता है, ये एक आयुर्वेदिक दवाई है। आइए अब जानते हैं किन किन कंडीशन में इसे यूज़ किया जा सकता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती वो लोग यूज़ कर सकते हैं, जिन लोगों का वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है वो लोग यूज़ कर सकते हैं, या जो लोग जो बॉडी बनाना चाहते हैं वो लोग यूज़ कर सकते हैं, जिनका खून नहीं बनता खून भी बनाता है ये, और लीवर से जुड़े रोगों में भी यूज़ किया जाता है। चलिए मैं बताता हूँ इसको यूज़ करने का तरीका, यानी इसके डोज। दोस्तों इसे यूज़ करने से पहले आप अपना वज़न ज़रूर चेक कर लें, उसके बाद ही इसका सेवन शुरू करें। मैं बता दूँ आपको, 18 से प्लस जो लोग हैं वो सुबह शाम एक एक कैप्सूल खाएंगे इसे खाना खाने के बाद। 18 से कम उम्र के लिए नहीं है ये। और हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ एक प्रोटीन आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको शरीर को बिल्ड करने में बहुत जल्दी फ़ायदा करेगा। चाहे आप प्रोटीन एक्स ले सकते हो, चाहे आप प्रोटीन रोन, कोई भी प्रोटीन पाउडर जो आपके एरिया मिलते हो आप उसे यूज़ कर सकते हो। और एक बात का ध्यान रखें, कभी भी ये दवाई अगर आप यूज़ करते हो तो एकदम से ना बंद करें, धीरे धीरे इसे बंद किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि जो भी दवाई हम यूज़ करना चाहते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट हमें ज़रूर मालूम होने चाहिए। साथ साथ अगर आपका कोई सुझाव हो या कोई सवाल हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आइए दोस्तों मैं बताता हूँ किन लोगों को ये यूज़ नहीं करना चाहिए। जिन लोगों की कोई दवाई चल रही है, यानी कोई बीमारी से रिलेटिव कोई दवाई चल रही है, तो प्लीज़ वो लोग यूज़ ना करें। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। और इसका कोर्स है 3 महीने का। 3 महीने के बाद आपको इसके कोर्स में गिरावट करनी है। जैसे कि आप आज एक खा रहे हो तो कल नहीं खाओगे, फिर एक कल खाओगे तो एक परसों नहीं खाओगे, ऐसे करके धीरे धीरे इसको छोड़ना है। इस तरीके से आप इसे छोड़ोगे। चलिए आप बताता हूँ इसके बेहतरीन फायदे। जिन लोगों का वजन काफ़ी समय से नहीं बढ़ रहा है, वो बहुत परेशान है, उनका ये बहुत ही अच्छी तरीके से वजन बढ़ाता है। और जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उन लोगों की ये बहुत अच्छी तरीके से भूख बढ़ाता है। जिनकी पाचन क्रिया बहुत ही वीक है उनकी पाचन क्रिया को बढ़ाता है, शरीर में नया खून बनाता है, साथ साथ लीवर की प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व करता है। और जिन लोगों को बॉडी बनानी है और उनकी बॉडी नहीं बनती है तो वो लोग इसे ज़रूर यूज़ करें, उनको बहुत ही फायदा होगा। और आप देखोगे कि आपको बहुत एनर्जेटिक महसूस होगा और 10 से 15 दिन में आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैंने जैसा आपको बताया था, पहले वज़न आप ज़रूर चेक करके रखें, फिर दोबारा 1 से 1.5 महीने बाद आप वज़न चेक करें। आइए जानते हैं इसके अब साइड इफ़ेक्ट। जो लोग इसे यूज़ करते हैं उसके यूज़ करने के बाद उनके चेहरे पर पिम्पल निकलने लगते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको ये सूट नहीं कर रहा है। बहुत लोगों में कब्ज़ की भी शिकायत देखी जाती है, पेट उनका साफ नहीं होता, पेट बहुत टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। तो वो लोग भी समझ जाइए कि आपको ये सूट नहीं कर रहा है, तो इसको बंद कर दीजिए। दोस्तों मैं बता दूं आपको, कोई भी दवाई यूज़ करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई यूज़ ना करें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। गुड बाय।